मेरा भाई है तो इंटरनेट वॉश करने के बाद का व्यू पोल पे हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो भाई अभी हम अटल टनल क्रॉस कर चुके हैं और अटल टनल के उस साइड जो टेम्परेचर था वो था 1 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो है -6 डिग्री सेल्सियस और दोनों साइड कम से कम नहीं तो 12 से 15 फुट की बर्फ है। हम पहुंच चुके हैं सिसु, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये सिसु है, टू व्हीलर सिसु तक बड़ी आराम से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रोड बिल्कुल साफ है। भाई अटल टनल क्रॉस करने के बाद का चेक दिस गाइस, क्या ही नज़ारा है भाई। अटल टनल हमने क्रॉस किया अभी, 9 किलोमीटर की टनल है और नॉर्थ पोल पे हम लोग एंटर कर चुके हैं। भाई ये चंद्र रिवर है, ये पूरा अभी जमा हुआ है। ये रहा हमारा चंद्र ब्रिज, क्या ही व्यू है यार, मज़ेदार। तो फाइनली भाई एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है और ओपन है, अटल टनल से टू व्हीलर और फोर व्हीलर आने दे रहे हैं, जैसे कि हमने अभी टू व्हीलर अपना क्रॉस कर लिया है अटल टनल से और हम जा रहे हैं अब सिसु की तरफ और सिसु में भी टू व्हीलर जाने दे रहे हैं, सिसु के आगे नहीं जाने दे रहे कहीं पे भी क्योंकि वहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा है। तो अभी नॉर्थ पोल तक हम पहुँच चुके हैं और नॉर्थ पोल का एक बार व्यू चेक करो गाइस। ये चेक करो कैसे एक्टिविटीज हो रही हैं आगे, एक्टिविटीज चेक करो। तो ये हम एंटर कर चुके हैं नॉर्थ पोर्टल में और यहाँ पर भाई क्या ही बर्फ है यार, जन्नत। ये तो जन्नत से भी ऊपर वाली बात है। ये सारी एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पे नॉर्थ पोर्टल में। अभी हम इसके आगे जाएंगे सिसु, वहाँ पर भाई और भी बर्फ है, अभी नीचे जाके थोड़ा सा इंजॉय करते हैं बर्फ में और फिर निकलते आगे। तो भाई अभी हम अटल टनल क्रॉस कर चुके हैं और अटल टनल के उस साइड जो टेम्परेचर था वो था 1 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो है -6 डिग्री सेल्सियस। इसको कहते हैं लाहौल एंड स्पिटि, दोनों को इकट्ठे स्पिटि कहते हैं। तू बहुत तीखी आंखों में लग रही है, वाकई बहुत तीखी आंखों में लग रही है। बहुत मत बनाया भाई लाहौल में एंजॉय करने के बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और सीधा जाएंगे सिसु और यहाँ पर स्नो भाई बहुत ज़्यादा है, -6 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग खड़े हैं, लेकिन इतना फील नहीं हो रहा क्योंकि सूर्य देवता ऊपर है, सूरज निकला हुआ है तो अच्छा खासा टेम्परेचर है यहाँ पे, तो ठंड ज़्यादा नहीं लग रही, मतलब ठीक है थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है बर्फ़ की वजह से। तो भाई ब्लैक आइस वगैरह बर्फ़ पहाड़ कितने सही लग रहे हैं, ये सीन कभी कभी देखने को मिलते हैं। और सिसु यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है तो वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ जाके देखें। बाकी अटल टनल का आपको अपडेट बता दिया है, बिल्कुल रास्ता खुला है, यहाँ से सिसु तक टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों जा रहे हैं। फाइनली भाई हम निकल चुके हैं लाहौल से और अभी जा रहे हैं सिसु की तरफ, सिसु यहाँ से सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर है और ये आप मेरे सामने ब्रिज देख सकते हैं, ये चंद्र ब्रिज है और इसके साथ में ये जो रिवर है भाई, ये सारी चंद्रा रिवर है, पूरी जमी पड़ी है, पूरी जमी। और ये देखो मैं आपको पीछे से सीन दिखाता हूँ सारा, यहाँ पर भाई इन्होंने बर्फ का रास्ता काट के मतलब अपना जाने के लिए रास्ता बना रखा है और दोनों साइड कम से कम नहीं तो 12 से 15 फुट की बर्फ है, मतलब इतनी हाइट पे बर्फ चल रही है इस टाइम पे। भाई सीरियसली बर्फ के पहाड़ यार, मतलब जन्नत से भी ऊपर है, जन्नत के से भी ऊपर की चीज है, जन्नत ही है लग रही है।
और ये बस 2 किलोमीटर रह गए सिसु, 5-7 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले हैं सिसु। और सिसु भी भाई बहुत स्लो है, बहुत भाई। हम पहुंच चुके हैं सिसु, ये मैं आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये सिसु है, 2-व्हीलर सिसु तक बड़ी आराम से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रोड बिल्कुल साफ है। 4-व्हीलर, 4x4 सब गाड़ियां आ रही हैं, बड़ी छोटी हर टाइप का व्हीकल यहां पे एंट्री हो रही है। तो अब ट्राई कर रहे हैं कि आगे केलांग जा सकें, अगर केलांग से हमको रास्ता मिल गया यहीं से स्पीटी का तो हम स्पीटी शायद जा सकें, नहीं मिला तो हम लोग कल निकलेंगे शिमला और शिमला से जाएंगे हम स्पीटी, लेकिन स्पीटी जाना जरूर है, स्पीटी का नज़ारा बहुत शानदार है इस टाइम पे। तो चलो अभी सिसु को एक बार देखते हैं और चलते हैं केलांग। चलो भाई चले केलांग, चल भाई चले, चलो 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 चलो, चलो, चलो।